हैं अपने ग्रेटिफिकेशन के लिए। तो संबंध को भी हम एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। ये हमारी सामाजिक स्थिति है, ये हमारी पारिवारिक स्थिति है ना। तो यही होएगा सब जगह पे। तो वर्क्स प्लेस पे वो थोड़ा सा स्टार्क हो जाता है, थोड़ा दिख जाता है वो। परिवारों में थोड़ा सा वो आवरण में रहता है, इतना दिखता नहीं है। पर असलियत तो उतनी है। वी आर यूजिंग आर रिलेशनशिप्स फॉर पर्सनल ग्रेटिफिकेशन, है ना। हम संबंधों को इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ दीदी, माइक दीजिए दीदी को। नमस्ते भैया। ये जो हमने बात की ना अभी इन्फेचुएशन, और उसके रेफरेंस में एक पारिवारिक केस जो एक हफ्ते से मैं हैंडल कर रही हूँ वो डिस्कस करना चाहती हूँ। एक कज़िन है, उसका एक बेटा है 7 इयर्स का। तो उसने सडन ऑफ अपने माता पिता से अपना संबंध कट कर लिया। आई गॉट द न्यूज़ के वो उसने कट कर दिया कि वो अपने माता पिता से बात नहीं करेगी अभी। तो मैं मिलने गई कि क्या बात है, क्या हुआ। नहीं, वो मैरिड लेडी है, वो जिसकी मैं बात कर रही हूँ, मेरी कजिन। वो एक मैरिड लेडी है। अच्छा। उसका 7 साल का बेटा है। हाँ। और अब इस स्टेज पे आके उसको ऐसा कुछ लगा कि उसने अपने माता पिता से अपना कांटेक्ट छोड़ दिया। अच्छा, जो कजिन है उन्होंने। हाँ, 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 कि अच्छा। मैं अपने माता पिता फोन करके बोल दिया कि वी डू नॉट हैव एनी रिलेशन। तो बात आई मेरे सामने यहीं पे है राजकोट में। तो हाँ, मिलने गए हाँ, कि भाई क्या हुआ, कुछ किया किसी ने क्या। सो हाँ, जो केस निकल के आया मेरे सामने वो कुछ ऐसा था कि बचपन से ही उसको कुछ ऐसा एटमॉस्फेयर मिला कि वो हमेशा बाहर प्रेम को तलाशती रही। तो उसके अकॉर्डिंग उसके बहुत सारे अफेयर्स हुए। फिर एक जगह पे एक सेटल हो गए, वो ही एक इन्फेचुएशन में कि यहाँ हाँ, से मुझे कुछ मिल रहा है, ठीक हाँ, है हाँ, तो वहाँ पेरेंट्स ने भी एक कैरेक्टर का सर्टिफिकेट लग गया हाँ, कि भई ये 2-3 है तो अभी इसको जल्दी से हाँ, हमें शादी कर देनी चाहिए। फिर वहाँ जहाँ उसने चाहा उसको वहाँ मैरिज कर दिया। अभी सिचुएशन तो वहाँ भी ऐसी हुई, कुछ शादी के बाद भी बच्चे भी हो गए, 7 साल का बेटा भी हो गया। लेकिन जब ये दूसरा बच्चा वो प्लान कर रहे थे उस टाइम उसको ये जो चाइल्ड नर्चरिंग की और अपब्रिंगिंग की बातें और कहाँ से नेट पर से सुना सब कुछ, उस टाइम पे उसके पास कुछ सोर्स नहीं था। तो जो भी नेचुरल विधि से पहला बच्चा आ गया वो ठीक है। लेकिन अब ये जो ये सुन रही थी तो उसको रियलाइज हुआ कि वॉट एवर आई एम राइट नाउ दैट इज़ बिकॉज ऑफ माई पेरेंट्स। अगर उस टाइम पे मुझे कुछ भी ऐसा मिला होता तो जो कि उसकी उसको वहाँ पे भी कुछ प्रॉब्लम्स थे कि जॉब नहीं करने देते थे या जो भी, तो वो हमेशा अपने आप को ब्लेम तो करती ही थी लेकिन कुछ ना कुछ तरीके से कि भाई ममता की वजह से कि या कुछ। सो उसने ऐसा इतना वो बढ़ गया कि अगर मुझे इस टाइम पे कुछ किया गया होता तो आई वुड नॉट हैव बीन दिस स्टेज। सो अभी तो कुछ नहीं है, मुझे इतना उसके रोष है। तो इस ये तो एक सिचुएशन थे, लेकिन मैंने जो अपने टीनेजर की बात की ना, ये शायद गर्ल्स में सभी जगह हो रहा है। मैंने देखा अभी कि जो भी हमारे आसपास है कुछ भी फैमिलीज की वजह से इन्फेचुएशन में आकर कुछ ना कुछ स्टेप्स ले लेते हैं। फिर कुछ सालों बाद एक कैरेक्टर का सर्टिफिकेट लग जाता है। ऑब्वियसली जब भी उसको रियलाइज होता है या फिर नहीं भी होता, मे भी किसी को होता है। तो ये जो सिचुएशन है अगर स्टूडेंट्स के सामने अगर हमें आए तो ये डायलॉग हैंगी है जिसके साथ हम डील कर सके कि या इस केस को कुछ अलग तरीके से डील किया जा सकता है। ठीक बात है। तो अपना इसमें जो मूल मुद्दा है वो इतना ही है कि देखिए, आप जिन अपनी कज़िन की बात कर रहे हैं उन्हें कहीं तो इस बात का रिग्रेट है कि वो उनका व्यक्तित्व ठीक से नहीं बना, है ना, और उसके लिए जिम्मेदार वो पेरेंट्स को मान रहे हैं, है ना। तो अभी उसमें आवेश की वजह से उनसे वो कर दिया। तो जब कभी भी देखिए, आवेश की सबसे अच्छी बात यह, आवेश की निरंतरता नहीं है, ये हमारे को समझ में आना चाहिए। तो आवेश तो ठंडा हो गई, जब ठंडा होगा तो ये भी बात बताई जाए कि इसमें पेरेंट्स की क्या गलती है। ये तो मानव जाति की गलती है ना, मानव जाति अभी उस जगह पे ही नहीं पहुंची है। उन्होंने क्या जान पूछ के नहीं दिया आपको, या उनको आता नहीं था? उनको जो मिला उन्होंने उतना ही दे पाया, जिसके पास जो होता है वही बांट पाता है। ये बात उनको अगर समझ में आ जाए
तो ये दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ इंडिविजुअल्स, इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ द सोसाइटी, है ना। तो और ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, ये बात दिख जाए तो ये हम किसी एक व्यक्ति के साथ, है ना, इसको ब्लेम करके सब कुछ कर दें तो अब उन्होंने अपनी जिम्मेदारी नहीं कर पाए क्योंकि उनके पास शिक्षा नहीं थी। आप अवेयर हो गए हो, अब आपकी जिम्मेदारी जो उनके प्रति, आप उसको पूरा नहीं कर रहे हो। आप तो अवेयर हो गए, शिक्षित हो गए उसके बावजूद भी, तो कौन ज़्यादा बड़ी गलती कर रहा है, जानबूझ के अपनी जिम्मेदारी को छोड़ना, या तो इस तरीके से एक बात तो उनके साथ हो सकती है। जहाँ तक समाज के अंदर ये प्रेवलेंस है इसकी, तो इस बात को रखना पड़ेगा सबके सामने, है ना। और देखिए क्या है, सारे माँ बाप बहुत केयरिंग हो जाएं, बहुत अच्छा हो जाए, ये तो बहुत अच्छी बात है, उससे तो चीज़ें आसान हो जाएंगी, लेकिन नहीं भी होंगे तो आगे बढ़ा जा सकता है, है ना। बहुत सारे लोग ऐसे बैकग्राउंड से आए हैं, इतने जिनको हम जीवनियाँ पढ़ते हैं महापुरुषों की, उनके परिवारों में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी, पर फिर भी अपने उससे निकल के आए हैं। तो कोई एजुकेशन से निकला है, कोई किसी महापुरुष के सहयोग से बन गया है, है ना। ऐसे करके अलग अलग प्रेरणाओं के स्रोत रहे हैं, तो ये सब बातें उनके सामने रखी जा सकती हैं कि देखिए मूल मुद्दा तो हमारे को खुद को व्यक्ति रूप में सफल होने का है। व्यक्ति रूप में सफल होने का क्या मतलब है कि हमारी कुछ जिम्मेदारियां जिसको हम निर्वाह कर पाएंगे तो ही सफलता है। जिम्मेदारियां संबंधों में ही हैं, बिना संबंधों के सफलता नहीं है, है ना। किसी ने हमारे प्रति जिम्मेदारी पूरी नहीं की, हम उनके प्रति नहीं करेंगे, इससे हमें कुछ मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। इससे तो हमारा और कुछ छूट जाएगा। अब माता पिता बोरो तो नहीं कर सकते, मेरे अच्छे नहीं थे तो तुम्हारे अच्छे दे दे थोड़े देर के लिए, ऐसा तो होता नहीं। अब जो थे उनके प्रति आपकी भी जिम्मेदारी है, वो सुख आप ले सकते हो, उससे वंचित ना हो। तो बातचीत है, ये तो लंबा डायलॉग है। समाज के अंदर देखो परिवर्तन तो लंबा समय लगता है। हम पहले अपने में इन चीज़ों को स्थापित कर लें एक स्टेप, फिर मिलके इन चीज़ों के लिए व्यवस्था बनाए ताकि ये शेयर हो पाए दूसरा स्टेप, फिर हम परिवर्तन को देख पाएंगे तीसरे स्टेप पे। यही मीन्स जब ग्लोबली हम देखते हैं आजकल की जनरेशन में, हाँ, तो यही हो रहा है, या तो लड़की है कि ऐसा ही कुछ है, हाँ, जिसकी वजह से वो अट्रैक्ट, या तो हमने प्रिपेयर नहीं किया, हाँ, है, अवेयर नहीं है, पेरेंट्स अवेयर नहीं है, हाँ, फिर एक स्टेज पे बुद्धि को तो पता चलता है, तो जब उसको होता है तो डेफिनेटली या कुछ गलत कर बैठते हैं, हाँ, या हाँ, फिर ब्लेम करते हैं डेफिनेटली, हाँ, हाँ, तो अभी से हमारी जनरेशन जो हम जिस बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो उसको भी हम ऐसे कुछ सही बात है कर दे तो वो ऐसा सिचुएशन नेक्स्ट जनरेशन में तो कभी भी ना हो। बिल्कुल, जैसे इधर तो मैंने सुना है कि फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में, सेकंड सेमेस्टर में, फर्स्ट ईयर के फर्स्ट एंड सेकंड में ह्यूमन वैल्यूज का कोर्स है, उसमें सब एड्रेस किया जाए, उसके लिए प्लेटफॉर्म है हमारे पास। देखिए पहले कुछ बैचेस में हो सकता है इनिशियली अधिकतर बच्चे सुने ना, ध्यान ना दें, पर ये चीज़ें क्या होती हैं, हमने IIIT हैदराबाद में देखा, वो लोग शुरू शुरू में इतना रिएक्ट किए उसको, इंटरनेट पर ब्लॉग भी लिख दिए सब, वही बच्चे जो ब्लॉग लिखे थे 10 साल बाद आके टीचर्स के पैर पकड़ के रोए हैं, क्यों, कि उनको समझ में आया उसकी क्या वैल्यू थी, है ना। तो बच्चा क्लास में डिसइंटरेस्टेड लग रहा हो सकता है, पर ये बातें इतनी फंडामेंटल है कि सुनता तो है, 50% बच्चों के कान से अंदर जा रही है चीज, तो आप इमीडिएट रिजल्ट की चिंता ना करिए, आप काम करिए अपना, है ना, इसमें गीता का उपदेश अपना लीजिए अच्छी बात है वो इसके लिए, है ना। तो काम करते रहिए इसमें, हमें समझ में आगे क्यों कर रहे हैं, इसका रिजल्ट आएगा। भोजन का सर, एक मिनट, अच्छा सर, केयरिंग में भी थोड़ा दिक्कत ये है, तो उन लोगों को बच्चों के, हमारे पेरेंट्स ज्यादा हमारी केयर कर रहे हैं और थोड़ा कंट्रोल ज्यादा करते हैं, हाँ, ये भी एक दूसरा प्रॉब्लम रहता है, हाँ, तो उसमें भी बैलेंस कैसे करना है, इसे प्रॉब्लम फॉर द पेरेंट्स, राइट। देखिए केयरिंग का मतलब नहीं समझते अभी हम, केयरिंग का मतलब क्या है, देखिए आपकी लाइफ में आपकी कुछ प्रायोरिटीज हैं, मेरी लाइफ में मेरी कुछ प्रायोरिटीज हैं, अगर मैं आपके लिए केयर करता हूँ, आपकी प्रायोरिटीज को अपनी लाइफ में प्रायोरिटी देता हूँ, इसका नाम है केयरिंग। क्या मतलब, हर व्यक्ति की लाइफ में कुछ प्रायोरिटीज होती हैं, आपकी भी लाइफ में है कुछ प्रायोरिटीज, मेरी भी, हमारा संबंध है तो मैं आपकी प्रायोरिटीज को धीरे धीरे समझ जाऊंगा, है ना, और जैसे ही मैं समझ गया और उनको अपनी लाइफ में प्रायोरिटी देने लगा, प्राथमिकता देने लगा, तो मैं आपके लिए केयर करता हूँ।
अभी केयरिंग को ऐसे नहीं समझते, केयरिंग को समझते हैं इसको खिलाएंगे पिलाएंगे फिर अपने मन मर्जी पे चलाएंगे। केयरिंग का मतलब ये है कि वो जो काम करते हैं बच्चे वो उसको पेरेंट्स को ठीक नहीं लगता, इसलिए उसको बोलते हैं कि ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। देखिए डूज एंड डोंट्स तो 10 साल की आयु के बाद काम नहीं करेंगे, नहीं करता है, नहीं करता है। तो मोबाइल का यूज करने के लिए ना बोलते तो नहीं ठीक लगता, रात को 10 बजे के बाद घर पे आ जाना चाहिए वो भी उसको ठीक नहीं लगता। ये जो आपके ग्रुप्स है फ्रेंड सर्कल है वो उसके हिसाब से आपकी करियर बिगड़ती है, दे विल नॉट एक्सेप्ट द थिंग्स राइट। वो देखिए वो अभी तो सुन ही नहीं रहे बच्चा, तो सुनने के लिए क्या चाहिए, विश्वास चाहिए। पेरेंट्स अपने पास आते हैं टीचर्स के पास कि भाई आप उसको समझाओ। उनकी कंसर्न तो है, देखिए पेरेंट्स की कंसर्न ना हो ये तो बात ठीक है, कंसर्न तो उनकी है, लेकिन उस कंसर्न को कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे पेरेंट्स। हाँ वो नहीं है ना, बच्चा एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। दो कारण है उसके, एक तो घर में जो संबंध है वो एक सीमित संबंध था, वो खिलाने पिलाने तक का संबंध था, है ना, सेवा करने का संबंध था, वो पूरा हो गया स्टेज, अब वो अपनी बॉडी की केयर खुद कर सकता है ऐसा मान लेता है बच्चा, तो उन पर डिपेंडेंट नहीं रहा है, इसलिए उसको लगता है मेरे को फ्रीडम चाहिए, मेरी फ्रीडम में आप बाधा बनते हो, इसलिए उनसे दूर रहना चाहता है, ठीक है ना। अब ये काम जो है कि वे फ्रीडम का मतलब क्या है, उनके साथ ही बात ही नहीं हुई है, मनमानी को ही फ्रीडम मानते हैं। अब क्या करें इस सिचुएशन में, कैसे समझाएंगे आप उन्हें। तो बच्चों के साथ ये कंटेंट वर्कशॉप हो उसी में, देखिए 15-16 साल की आयु के बाद केवल प्रस्ताव विधि और कोई विधि नहीं है, प्रपोजल ही दिया जा सकता है, उसकी कर्म स्वतंत्रता, उसे स्वीकारेगा या नहीं स्वीकारेगा। वातावरण का दबाव एक बड़ी अच्छी चीज़ है, अगर यहाँ पे माहौल बन जाते हैं कि यहाँ पे ऐसी बातें होती है, ऐसी चीज़ों में बच्चे को अच्छा लगने लगता है, तो उनकी देखा देखी बहुत सारे बच्चे करने लगेंगे उस चीज़ को, जो कि समय लेगा थोड़ा सा, बट इट इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट, हो जाएगा। पर ये सब इश्यूज तो हैं, बट डेफिनेटली इवन टुमारो और टुडे यू विल बी बेटर ऑफ देन अदर इंस्टीट्यूशंस, आज भी इन इश्यूज को टैकल करने में, आज भी आप जो बात करोगे उसका इम्पैक्ट बाकी इंस्टीट्यूशन में जो बात होती है उसे ज़्यादा अच्छा होगा, है ना। वो परसीवेबली उसको आप डॉक्यूमेंट करके बता पाएं, हो सकता है अभी नए हो उसके लिए समय लग सकता है, लेकिन आज भी आप लोगों की बात का इम्पैक्ट ज़्यादा है, ठीक है। चलिए आज तो खूब समय ले लिया है ना, चलिए लंच करते हैं।